नमस्कार। काफ़ी लोगों ने YouTube पे भी कमेंट डाला कि सर नेक्स्ट का गैजेट आ गया, प्लीज़ आप एक्सप्लेन करो, आप बहुत अच्छे से समझाते हो बताते हो। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको ना काम की बातें बताऊंगा, मैं पेज बाय पेज नहीं जाऊंगा। 17 पेज का नेक्स्ट है जिसमें 6-7 पेज का इंग्लिश में, बाकी हिंदी में तो हमारे मतलब के तो 8 पेज हैं, और उस 8 पेज में मतलब कि 8 लाइनें ही हैं। देखिए चीज़ को समझते हैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से, और एक का जो मैंने दूसरा बनाया, जो सरकार ने या देखिए जो भी इस समय केंद्र सरकार है उन्होंने डिसाइड करा कि हमें मेडिकल एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना है, इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, ये मेरा मानना है। कुछ लोग इस बात से भी सहमत होंगे नहीं होंगे। और आप 2014 के बाद अगर देखेंगे तो मेडिकल की सीटें प्रैक्टिकली डबल हो गई हैं। जी हाँ, डबल, मतलब 2014 में अगर कुछ 55,000 सीटें थी तो आज 110,000 सीटें हैं। मतलब सोचिए आज़ादी के बाद से लेके मतलब 2014 तक 55,000 सीटें थी और अब डबल हैं। यू कैन इमेजिन, राइट? मतलब हरियाणा जैसे स्टेट में एक ही सरकारी कॉलेज था, PGMS रोहतक। सोचिए भगत फूल सिंह, कल्पना चावला, मेवाती, ये सब, मैं नहीं कह रहा कि 14 के मतलब सब 12 के बाद आए, ई एस ए फरीदाबाद और जो लेटेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी। सोचिए पूरे हरियाणा स्टेट में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज था 2010 से पहले, और एक SGT आ गया था प्राइवेट, बाकी सारे प्राइवेट भी नहीं हैं। तो सोचिए 2010 तक पूरे हरियाणा स्टेट में दो कॉलेज थे, SGT और PGMS रोहतक। ये हालत थी पूरे हिंदुस्तान में। एक तरफ से कॉलेजेस बढ़ाए गए और दूसरी तरफ ना मेडिकल एजुकेशन को लेके सबसे चमत्कारी जो डिसीजन आया वो 2017 में आया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस साल बड़े होते हैं उन्हें पता भी नहीं है। आप सुबह शाम एक नीट क्वालिफाई शब्द सुनते हो, आपके बच्चे के जैसे इस साल 107 और 137 नंबर हैं, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 137, दाबाचों के लिए 107, अनरिजर्व PWD के लिए 45%। क्या आपको पता है कि ये सब शब्द 2017 तक थे ही नहीं? तो 2015 तक नीट क्वालिफाई नाम का शब्द था ही नहीं। आप 2016 में नीट दो, जिस जो भी आपके नंबर हैं आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और ये सारे बच्चे इंडिया एज वेल एज अब्रॉड MBBS करने जाते थे। सबसे पहले 2017 में रूल आया, और मेरा वो 2018 का यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो ना उस समय भी जब लोग पढ़ने बाहर जाते थे, और मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सबके काम की चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट को लेकर ना लोग घबराहट ले रहे हैं कि सर जैसे FMG का रिजल्ट तो 25-30% होता था, तो इतना हम खर्चा कर दें और हमारा बच्चा नेक्स्ट में पास नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं FMG के बारे में बताता था, तो 2018 का मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, 2018 का 19 के 20 में जब मैं लोगों को समझाता था। देखिए FMG भी बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं था, नहीं है, ये डिपेंड करता था एग्ज़ाम को में बैठने वाले कौन हैं। सो देखिए मैंने इस साल 18 लाख बच्चों ने नीट लिया, 10 लाख बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं। बिल्कुल मेरे पास फ़ोन आते हैं, बड़ी शर्मिंदगी से बोलते हैं सर नंबर 142 हैं, 165 हैं, पर मैं उनसे कहता हूँ आपको पता है कि 10 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 नंबर से भी कम हैं, 40 भी हैं, 50 भी हैं, 70 भी हैं, तो उनके मुकाबले तो आप बहुत अच्छे हो ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला रूल ये निकाला कि जो ये 10, 20, 30 नंबर वाले बच्चे हैं, अब ये बच्चे दो तरह के होते हैं। देखिए एक होता है कि एग्ज़ाम वाले दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप कुछ मिस्टेक कर बैठे, चॉइसेस में ऊपर नीचे सीक्वेंस हो जाती है। कई बार मैं सुनता हूँ कि भाई बच्चे ने गलती चॉइसेस भर दी आंसर शीट में, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, और इन बच्चे अगले साल बैठ सकते हैं दोबारा नीट में, राइट? बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंसियर नहीं होते हैं, जो कोटा में भी 2 साल लगा के आए, या दिल्ली में लगाया, आकाश एलन, फिर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं, और फिर भी 20 नंबर, 15 नंबर। सरकार कहती है तुम आज भी इतने सिंसियर नहीं हो तो क्या तो तुम सिंसियरिटी से MBBS की पढ़ाई करोगे, और क्या तुम सिंसियरिटी से कल को डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज करोगे। इन बच्चों को हमने बाहर निकालना है कि तुम कोई भी मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते, MBBS, BDS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और ये रूल लागू रहेगा इंडिया एज वेल एज फॉरेन एजुकेशन पे। तो वो रूल आया था, ये रूल आते ही, और देखिए समस्या क्या है, लेकिन अभी भी आप FMG का रिजल्ट देखोगे तो कई बच्चे तो उसमें वही बैठते हैं ना जो 2013, 14, 15 में गए थे, जिनके खुद के उस ज़माने में 2, 4, 5 नंबर नीट में थे। बट 2018 के बाद बाहर भी वही बच्चा जा रहा है जो कम से कम नीट क्वालिफाइड है, वो मेरी नज़रों में ना एक अच्छा बच्चा है, सिंसियर बच्चा है। चाहे शायद पेरेंट ऐसे पेरेंट आपको लग रहा हो जी मेरा बच्चा खाली 160 नंबर लाया, काहे का सिंसियर है, पर मैं यही कहता हूँ कॉम्पिटिशन देखो ना, 18 लाख में फिर भी टॉप 9 लाख में तो है। ठीक है आप तो टॉप 9,000 में चाहते थे, लेकिन बॉटम 2 लाख 4 लाख में तो नहीं है ना। तो एक फिल्ट्रेशन तो हुआ,
तो मेरा दावा है और मैं चैलेंज करता हूँ, सबको समझाता हूँ, 2023 में एफएमजी रिजल्ट को ना दो भागों में बांट लो। एक वो बच्चे जो अपने ज़माने में नीट क्वालिफाई करके गए थे, एक वो जो 2, 4, 5 नंबर नीट लेकर गए थे, बिना नीट दिए गए थे, 12वीं में 55% नंबर लाके, और आप दोनों का रिजल्ट कंपेयर करो, आपको पता चलेगा कि नीट क्वालिफाई बच्चा जो गया था वो 70% से ऊपर पास हो रहा है। जो जो एवरेज 30% आती है ना, इसको ख़राब करते हैं वो पुराने बच्चे जो 2012, 2013, 2014, 2015 में गए थे और आज तक फेल हो रहे हैं। फिर आप कहते हो सर ये बच्चे इतने ही ख़राब थे तो ये उस कंट्री में पास कैसे हो गए? अब यही बात आती है फिर से आपके मतलब की, ये उस कंट्री में भी इसलिए पास हो गए क्योंकि वो कंट्री देखिए फॉरेन कंट्री थी, उनको भी एक बिना लिखा एक एग्रीमेंट होता था कि जो भी इंडिया से बच्चा आ रहा है उसको पास कर दो, तो चाहे आपके बच्चे के 100 में से 15 नंबर होते थे उसे पास कर दिया जाता था। और यही होता है इंडिया के कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो डीम्ड हो चाहे वो स्टेट प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन जिनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगा, पर चाहे वो राजस्थान की थी या पहले यूपी की थी या किसी भी स्टेट की हैं, कई कई जगह ये होता है कि नॉन सिंसियर बच्चे फेल हो रहे होते हैं और उनको पास किया जाता है, कभी कभार आपसदारी में, कभी कभार पैसा लेके। यही वहाँ पर होता था, बच्चा पास हो के आ गया, इंडिया में बच्चा पास हो जाता था बिना एफएमजी दिए। अब वो बच्चा जब एफएमजी में आता था तो दिक्कत में आ जाता था क्योंकि वो तो एक कॉमन पेपर हो रहा है, वहाँ तो कोई आपसदारी चल नहीं रही है, और इन्हीं बच्चों को घबराने की ज़रूरत है नेक्स्ट 1 या 2 को जो हिंदुस्तान में या पढ़ने वाले हैं या बाहर जाके पढ़ने वाले हैं फिर से नॉन सिंसियरिटी से। सो कल भी एक क्लाइंट आए, बहुत अच्छे थे, मुझसे यही कहते हैं, तो मैंने सीधा बोला सर बच्चे के नंबर मतलब 200 की रेंज में थे, मैं कहा सर अगर आपको लगता है ना कि आपका बच्चा मेहनत नहीं करने वाला अगले 5 साल 6 साल, दिन में क्लासेस के अलावा 6 घंटे नहीं पढ़ना, छोड़ दो ये कोर्स और मेरी काउंसलिंग का पैकेज भी मत देना, कुछ BBA वगैरह करा लो, मतलब दिस इज़ माई फीडबैक, राइट? क्योंकि चाहे बच्चा आपका बाहर जा रहा है चाहे इंडिया में पढ़ने वाला है, क्लासेस के बाद अगर 6 घंटे पढ़ेगा और वो क्लासेस भी रेगुलर होनी चाहिए और जेन्युइनली हो रही हैं, तो चाहे वो पहला FMG था, चाहे वो बाहर जाने वाले बच्चे थे, चाहे नेक्स्ट 1 होगा, सब पास होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम नॉन सिंसियर थे तभी तो 2, 4, 5, 10 नंबर नीट में आते थे ना, अदर देन दी तबीयत ख़राब वाला एंगल एंड ऑल दैट, और मैं अपनी नॉन सिंसियरिटी कंटिन्यू रखूँगा अगले 6 साल बच्चे की, जो बाहर तो बड़ा आसान था उसके लिए रखना क्योंकि माँ बाप का बिल्कुल प्रेशर नहीं होता था। देखिए कोई भी कॉलेज सर पे डंडा तो मार के बच्चों को पढ़ाता नहीं है ना, 18, 19, 20 साल के बच्चों को, तो अगर बच्चा सिंसियर नहीं होगा वही बच्चा FMG में अब परेशान है, वही बच्चा नेक्स्ट में परेशान होगा। लेकिन अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करने का दावा वादा करते हो खुद से अपने आप से, तो ना नेक्स्ट आपको दिक्कत देगा, ना FMG दिक्कत देता था ना देता है, क्योंकि और क्योंकि आप खुद नहीं बच्चे समझ पाते थे ना, तो शायद नीट क्वालिफाई का रूल लाया इसलिए गया था उसको फिल्टर लगाने के लिए। नेक्स्ट 1 का रूल भी मैंने बोला इसलिए लाया गया है क्योंकि अब्रॉड वाले बच्चे कहते थे कि भैया जिस तरह हमारे को टेस्ट कर रहे हो इंडियन बच्चों क्यों नहीं करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा था कि इंडिया में भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि बच्चों को पास कर रहे हैं, लेट मी से ब्लंटली। अब नेक्स्ट 1 का मतलब ये है कि भाई बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट 1 का पेपर कोई तोप नहीं होने वाला, कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाला, मगर डिटेल लिखी हुई है, 6 पेपर होंगे, 6 सब्जेक्टों के होंगे, 3-3 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के, मेरे को वो सब लिखा हुआ है, वो सब भैया जो पढ़ने वाले हो, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, नेक्स्ट स्टेप 1 पार करोगे तो नीट PG में सिलेक्शन होगा, नेक्स्ट 2 जो होगा वो बेसिकली क्लिनिक वो सॉरी इंटर्नशिप के लिए भी होगा, और जब नेक्स्ट स्टेप 2 पार करोगे तो फिर आप इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी। उसके लिए कहोगे तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या है, कब कब आपको कौन सा पेपर देना है, बट इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था कि नेक्स्ट से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंडिया में पढ़ो चाहे बाहर वाले बच्चे। और इस लाइन को आप समझ लीजिए, कभी आज तक भी FMG का रिज़ल्ट इज़ नॉट द राइट वे, क्यों? क्योंकि आज भी उस रिज़ल्ट को ख़राब करते हैं वो बच्चे जो 2010, 2011, 2012, 2013, 2009, 2008 में गए थे पढ़ने, नॉन सिंसियर बच्चे थे, वहाँ जबरदस्ती उन्हें पास किया गया। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ और क्या बोलूँ, हमने भी कराए हैं, मतलब मेरे जो जब मैं अब्रॉड का काम करता था, अभी भी थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन अब तो कोई कंट्री बहुत अच्छी बची नहीं ना भेजने के लिए 18 नवंबर 2021 रूल के बाद। बच्चे कहते थे, मुंह पे कहते थे, सर उस जगह भेज दो बाहर जहाँ पर ना जुगाड़ हो जाए ताकि मटलीस डिग्री तो लेके आ जाए। फिर मैं पूछता था, मैं कहा FMG कैसे पास करोगे? अरे सर उसकी ना 1 साल की तब कोचिंग ले लेंगे, ये बैठे हैं एम्स के पीछे, मार्केट है और वो
ठोक 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 के हम पेपर पास करा देते हैं, हमें अगले 5 साल तो मस्ती करनी है। इन सबको रोकने के लिए नेक्स्ट एक कॉमन एग्जाम लाया गया है, ताकि जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस कुछ थे जो कि नॉन सिंसियर बच्चों को भी एनकरेज करते थे, कम पढ़ लो आपका काम चल जाएगा, नॉन सिंसियरिटी से पढ़ लो काम चल जाएगा, वो रुके और हर मेडिको बच्चा 6 घंटे पढ़े। और आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा ये पढ़ने वाला नहीं है, बच्चा को लगता है कि इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, तो भाई वैसे भी प्रोफेशन आपके मतलब का नहीं है, इसे छोड़ दो। यही सरकार चाहती है, क्योंकि डॉक्टरी मेडिसिन इज़ ए वेरी सीरियस प्रोफेशन, आपके हाथों में लोगों की ज़िंदगी है, राइट? तो यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी गुड, वो आपको पता चल जाएगा इससे, समझे बात को? तो ये है एक नेक्स्ट का मोटा मोटी। नीट क्वालिफाई से शुरू हुआ, 18 नवंबर 2021 को अब्रॉड के नए रेगुलेशन आए कि भाई ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, बाहर वाले कॉलेज में भी 4.5 साल की पढ़ाई होनी चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए वहाँ पर, और लाइसेंस मिलना चाहिए, और जैसे बोलते हैं इसका समापन है ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम। एग्जैक्ट एग्ज़ाम में क्या है नोटिफिकेशन में सब लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 साल में होगा, अरे भाई इंडियन बच्चों की बात करूँ, 4.5 साल की आपकी MBBS है टेक्निकली, ठीक है, आप पहला अटैम्प्ट तभी दे सकते हो नवंबर में, फिर अगली बार दोगे, फिर अगली बार दोगे, अब 4 बार देकर भी फेल हो जाओगे तो शर्म आनी चाहिए। तो मैंने वही कहना फिर पेपर पे बैठो मत, और वो पेपर कंपिटेटिव पेपर नहीं है, आपको 100 में से 50% लाने, हर बच्चा पास हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं है ना कि 10 लाख में से 5 लाख को पास करेंगे या 1 लाख में से 50,000 को पास करेंगे, सारे पास होते हैं। अब जो पढ़ाई आप कर रहे हो, आपको आधे भी अगर सवाल नहीं आते जो आप पढ़ चुके हो 4.5 साल, तो क्या आपको डॉक्टर बनने का अधिकार है? तो कर लोगे, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है, टोटल 10 साल का समय दिया गया, वैसे तो 5.5 साल का MBBS का कोर्स होता है, आपके पास 4 साल फालतू हैं। और जो अब्रॉड भी जाने वाले हैं भाई, वहाँ पर 1 साल की चलो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप के चक्कर में आपका 1 साल बढ़ गया था, तो भी तो मतलब अगर जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में सब कुछ करता है उसके लिए पास 7 साल हैं, 3 साल एक्स्ट्रा हैं, हर 6 महीने में है, मतलब कि 6 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा हैं। 6 अटैम्प्ट में तुम ये सोच रहे हो कि फेल हो जाऊँगा मैं, तो वही सोचो कि क्या ये प्रोफेशन आपके लायक है या नहीं है। जनरली आपके लायक है, क्योंकि नीट क्वालिफाई का रूल लाया चले गया था उनको हटाने के लिए जो बिल्कुल नॉन सिंसियर है। जो बच्चा भी नीट क्वालिफाई कर रहा है ना, वो थोड़ा सिंसियर है, मैं मानता हूँ सुनने में नंबर वही कम लगते हैं, 720 में से 180 170, बट आप बहुत अच्छे हैं उनसे जो 5, 6, 8 नंबर वाले बच्चे हैं। लेकिन अब आपको अगले 6 साल भी ना वो सिंसियरिटी कंटिन्यू रखनी है और थोड़ी बढ़ानी है, ओके? सो ये है नेक्स्ट की पूरी जानकारी। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चाहे बाहर भेजता था मैं चाहे इंडिया में, अच्छा कॉलेज होना चाहिए जो आपको अच्छा पढ़ाए, और वो आपने संपर्क करना है, वो आपने चुनना है। यू कैन टेक अवर प्रीमियर काउंसलिंग सर्विसेज, यू नो बाय नाउ, 9643362320 पे कॉल कीजिए। कॉलिंग फर्स्ट सेशन के चार्जेस होते हैं 2500 रुपये फ़ोन के, 5000 रुपये फेस टू फेस, एंड देन वी डिसाइड व्हाट इज़ अ सुटेबल पैकेज फॉर यू। आप घबराइए मत, वो पैकेज भी 5 लाख का नहीं होता, वो 30,000 से 1.5 लाख का होता है, क्योंकि जिसका काम 40,000 का होता है मुझसे 75,000 रुपये लेना मुझे पसंद नहीं है, और जिसका काम 75,000 का है उसका मैं 40,000 में करता भी नहीं हूँ, ओके? बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।